फ्लेक्सिबल कोई पैनल आए मार्केट में, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसकी एफिशिएंसी हाई है, और जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो तो उनका तो काम खराब होने जा रहे हैं। जबकि ये बिल्कुल हकायक के मुनाफी है कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसे बड़े बड़े साइंसदान और रिसर्चर्स बैठे हुए जो कोई भी खबर उनको मिल जाए बगैर तहकीक के आगे फैला रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इंजीनियर दिलावर हुसैन, फोर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से। आज एक जो मार्केट में इशू चल रहा है, हर कोई क्लाइंट जो है कंपनीज को तंग कर रहे हैं कि फ्लेक्सिबल कोई पैनल आए मार्केट में, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसकी एफिशिएंसी हाई है, और जो पुराने जो टेक्नोलॉजीज है वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। जो सोलर पैनल है, फ्लेक्सिबल सोलर पैनल, ये बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है, बहुत इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहे हैं एंटी बाईफिशियल डबल ग्लास, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे लोगों से आप मुताद रहे, ऐसे ऐसे साइंसदान है जो कहते हैं रात को भी जनरेशन होगी सोलर पैनल की, भाई आप थोड़ा अकल इस्तेमाल करें, रात को जनरेशन, जब आप सोलर से जनरेशन करें तो रात को सोलर कहाँ पे आएगी। सोलर पैनल के तीन मेन बेसिक टाइप्स है, ये मैं बेसिक टाइप्स की बात करूँ, उसके बाद जो एडवांसमेंट आई है उसमें आप मोनो में जाए तो मोनो क्रिस्टलिन के बाद गया, उसके बाद ये बाईफिशियल पे चला गया, एन टाइप पे चला गया, टॉप फोन पे चला गया, ये सारी चीज़ें उसमें टेक्नोलॉजी चेंज होती रही। लेकिन जो बेसिक टाइप है सोलर पैनल में वो मोनोक्रिस्टलिन है, पॉलीक्रिस्टलिन है और थिन फिल्म है। तो मोनोक्रिस्टलिन जो है वो प्योर सिलिकॉन का बना होता है, पॉलीक्रिस्टलिन मेल्टेड सिलिकॉन क्रिस्टल्स होते हैं, और थिन फिल्म वैरायटी आप अगर आप देखें तो मोनोक्रिस्टलिन दैट्स मोस्ट एफिशिएंट सोलर पैनल विच हैव 24.4% एफिशिएंसी, and polycrystalline have 19.9% efficiency and thin film 18.9% efficiency. Efficiency wise dekhe to monocrystalline jo hai most efficient solar panel hai, uske baad polycrystalline hai, aur sabse end mein aapka jo thin film hai jise hum flexible solar panel kehte hain. Aajkal market mein dhoom macha hua hai ki flexible solar panel jo ek new technology aayi hai, jabki ye basic type se aur sabse old technology hai, efficiency bhi bahut kam hai. उसके बाद अगर आप देखें तो कॉस्ट पे अगर आप बात करें तो मॉडरेट कॉस्ट है मोनोक्रिस्टलिन की, पॉलीक्रिस्टलिन की लीस्ट एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू मोनोक्रिस्टलिन, एंड थिन फिल्म जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव है, इसकी प्राइस ज़्यादा है थिन फिल्म की, और एट द सेम टाइम इसकी एफिशिएंसी अगर आप देखें तो एफिशिएंसी सबसे कम है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आप एक चीज़ एक्सपेंसिव ले रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी कम है. अब अगर आप उसकी लाइफ स्पैन पर आ जाए, इसकी लाइफ कितनी है, तो मोनोक्रिस्टलिन जो है लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन है, पॉलीक्रिस्टलिन जो है उसकी मॉडरेट लाइफ स्पैन है, और थिन फिल्म जो है उसकी शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है. थिन फिल्म जो है उसकी एफिशिएंसी कम है, थिन फिल्म मोस्ट एक्सपेंसिव है, थिन फिल्म यानी फ्लेक्सिबल सोलर पैनल है उसकी लाइफ बहुत कम है. अगर आप इसकी इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूशन देखें कि इसकी वजह से पोल्यूशन में कितनी कमी आ सकती है, एक मोनोक्रिस्टलिन जो सोलर पैनल है और इक्वलेंट जो आपने फ्यूल जनरेशन लगाया हुआ है, तो मोनोक्रिस्टलिन सोलर पैनल 38.1 ग्राम पर यूनिट के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे नेचर. अगर आप फ्यूल जनरेटर ऑन किया हुआ है तो इतनी आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी एमिशन हो रही होगी. इसी तरह आप पॉलीक्रिस्टलिन पे आ जाए तो ये 27.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट के हिसाब से रिडक्शन करते हैं एनवायरनमेंट का, और सेम के तो 27.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट के हिसाब से एनवायरनमेंट में इसकी एमिशन हो रही होगी. और इसी तरह अगर आप थिन फिल्म पे आ जाए तो इसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो अगर सेम कैपेसिटी का एक फ्यूल जनरेटर ऑन किया हुआ है और थिन फिल्म लगा हुआ है सेम कैपेसिटी का, तो ये 21.4 ग्राम या इससे भी कम कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन से एनवायरनमेंट को फिल्म बचा से हम फ्लेक्सिबल सोलर पैनल कहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है. एक तो इसकी एफिशिएंसी कम है, दूसरा ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, तीसरा इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है, और थर्ड जो है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ थिन फिल्म इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर पीवी मॉड्यूल्स.